तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में 120 वोल्ट का चार्जर है। अब ये जो चार्जर है वो ओरिजिनल है या डुप्लीकेट, इसका हम कैसे पता कर सकते हैं ये मैं आपको बताने वाला हूँ। आपके पास कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो सकती है या फिर आपके पास कोई भी चार्जर हो सकता है, चाहे एप्पल का है, चाहे कोई और है, या फिर कोई भी ऐसी प्रोडक्ट है जिसमें आपको लगता है कि वो ओरिजिनल है या डुप्लीकेट, आप उसके बारे में कैसे पता कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता लूँ कि आपकी जो भी प्रोडक्ट है, चाहे वो चार्जर है या चाहे कोई और है, तो सबसे पहले यहाँ पे उसकी जो डिटेल है वो इस चार्जर पर या फिर आपकी जो प्रोडक्ट है उस पर मिल जाती है। आप जब उसको इस प्रकार से देखते हैं तो उसकी जो डिटेल है वो यहाँ पर आपको इस प्रकार से दिखती है। अब यहाँ पे आपको जो ध्यान से देखना है वो ये है कि इसका जो आर नंबर है वो कहाँ पर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो चार्जर है उसका जो आर नंबर है वो यहाँ पर है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे पास ये जो चार्जर है वो ओरिजिनल है या डुप्लीकेट। यहाँ पे आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको प्ले स्टोर के अंदर जाना है और प्ले स्टोर के अंदर जाके यहाँ पे आपको बी आई एस केयर नाम से जो ये ऐप है, आपको इस ऐप को अपने मोबाइल के अंदर डाउनलोड कर लेना है। और डाउनलोड करने के बाद इसको यहाँ पे आपको इस प्रकार से खोलना है। इसके बाद यहाँ पे आपको इस ऐप के अंदर नीचे एक ऑप्शन मिलते हैं जहाँ पे लिखा है वेरीफाई आर नंबर, तो आपको उस पर क्लिक करना है। और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है जहाँ पे लिखा है एंटर प्रोडक्ट रजिस्टर नंबर मतलब आर नंबर, तो यहाँ पे आपको वो आर नंबर यहाँ पे आपको लगाना है, जो कि आपकी जो भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है उसका आर नंबर लगाना है। या फिर आपको QR कोड को स्कैन करना हो तो यहाँ से आप इस कैमरे पे क्लिक करके QR कोड को स्कैन भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आर नंबर लगाना चाहता हूँ, तो मैं डायरेक्ट इस प्रोडक्ट का जो आर नंबर है वो यहाँ पे मेरे पास जो ये प्रोडक्ट है उस पर दी हुई है, तो वो यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ। आपको भी इस प्रकार से जो आर नंबर है वो यहाँ पर ऊपर लगा लेने हैं। और लगाने के बाद यहाँ पे आपको पता चल जाता है कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो ओरिजिनल है या डुप्लीकेट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने लगा लिया। उसके बाद हमें यहाँ पे गो का ऑप्शन दिया हुआ है, हम इस पर क्लिक करना है। और जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारी जो चार्जर है या फिर हमारी जो भी प्रोडक्ट है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हमें मिल जाती है। साथ में यहाँ पे ये भी पता चल जाता है कि ये जो आइटम है वो ओरिजिनल है या डुप्लीकेट। यहाँ पे यदि आपको सही जानकारी पूरी यहाँ पे मिल जाती है, इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास चार्जर है वो ओरिजिनल है। और यदि आपको यहाँ पे कुछ भी जानकारी नहीं मिलती है तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो भी प्रोडक्ट है वो यहाँ पे डुप्लीकेट आपको दी गई है। तो इस प्रकार से आप किसी भी प्रोडक्ट के बारे में पता कर सकते हैं कि वो ओरिजिनल है या डुप्लीकेट। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस प्रकार के और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू।